तो अगर ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई नंबर्स है, जैसे 85 हो गया, जैसे 85 का हमें स्क्वायर बताना है, 85 हो गया, 95 हो गया, ठीक है, 105, 115, 125, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यूनिट 5 है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो 5 का 25 हो जाएगा, और जो 8 है जो 10th प्लेस पे नंबर्स है, डिजिट है, उसका हम क्या करेंगे, उसको एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो 9 8 जा 72 होता है, राइट। सिमिलरली 95 का है तो 5 का 25 हो जाएगा, और 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 105 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और ये जो 10 है ना, 10 है उसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110, ठीक है। उसी तरह से 115 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 11 है, 11 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 11 × 12 ये करेंगे तो क्या होता है, 2, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 132, ठीक है, 132, ठीक है, तो ये हो जाएगा 115 का स्क्वायर हो जाएगा। 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर ये कैसे होगा, 125 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 5 है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 12 है उसको हम 13 से, एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बचा, 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि हम 12 को 13 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यही मतलब हुआ। तो अगर 12 को हम 12 टाइम ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है, 144 होता है, और एक बार और ऐड कर लें, ठीक है, तो 651 156 होता है, 156 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है 12 × 13, ये मेंटली करना होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको, आप अगर 12 को 12 में, 12 को 12 बार आपस में 12 टाइम्स जोड़ेंगे तो 144 होगा, और 12 को वैसे भी आपको स्क्वायर आता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, आसान है, ठीक है। तो यही सारी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन था। अब आपको लग रहा होगा कि 100 के नियर अबाउट जो नंबर है सर ने उनको बता दिया, और जो 10 के नियरेस्ट नंबर है उनको कैसे पता करेंगे वो तरीका बता दिया, लेकिन अगर इन 100 और 10 के बीच वाले नंबर्स हो, जैसे आपका ये 50 के नियर एबव और बिलो हो, तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो चलिए उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए उन नंबर्स को हम देखते हैं, ठीक है, जो 50 के नियरेस्ट है नंबर्स उनको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मान लो 50 के नियरेस्ट नंबर, हमें 50 को बेस मान के इनका स्क्वायर पता करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 51 है, 51 का स्क्वायर हमें बताना है, ठीक है, तो ये 50 से कितना अधिक है, 1 ग्रेटर है, ठीक है, तो 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको भी 2 डिजिट में हमें चेंज करना है, ठीक है, तो 2 अंकों में बदलने के लिए हमने इसके आगे 0 लगा लिया, ठीक है, 2 अंकों में बदल गया, ठीक है। अब 51 जो है 50 से एक अधिक था, एक का स्क्वायर हमने कर लिया, 01 हो गया, ठीक है। अब जितना 51 50 से जितना अधिक है उतना ही 25 में ऐड कर लेंगे, ठीक है, उतना ही हम 25 में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 25 में ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 है, तो
कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 52 का स्क्वायर हमें बताना है तो 50 से 52 कितना अधिक है, 4 अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 डिजिट में हमने चेंज कर लिया। अब 50 से 52 जितना अधिक है उतना ही हम 25 में ऐड कर लेते हैं, तो 25 में कितना ऐड करेंगे हम, 2 ऐड करेंगे, 2 अधिक है ना, तो 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 04 क्या होगा, 52 का स्क्वायर हो गया। 53 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 50 से कितना अधिक है, 3 है, तो 09 यूज होगा। और 25 में कितना ऐड करना है, 3 अधिक है तो 3 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 28। उसी तरीके से अगर 54 का स्क्वायर बताना है तो कितना अधिक है, 50 से ये 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 16 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ेंगे 25 में 4 ऐड कर लेंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 50 के नियरेस्ट जो नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मान लेते हैं 56 है, 56 का स्क्वायर बताना है, तो 50 से कितना अधिक है, ये 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर कर लिए, 36 हो गया। अब 25 में कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 31 36 क्या हो जाएगा, ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 50 से लेस देन नंबर्स होता है, जैसे मान लेते हैं 49 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको भी 2 अंकों में बदल लेते हैं। और जितना 50 से 59 कम है उतना ही 25 से माइनस कर लेते हैं, तो 24 हो जाएगा। जैसे 25 से 1 माइनस कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 नॉट 1 क्या है, 49 का स्क्वायर है। अगर 48 का स्क्वायर हमें बताना है तो 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 से कितना कम है, 2 अंक कम है, तो 2 का स्क्वायर कर लिए तो 4 हो जाएगा, 2 अंकों में बदल लिया हमने। अब जितना कम है उतना ही 25 से माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर 3 कम है, तो 3 3 09 हो जाएगा। अब 3 कम है तो 25 से उतना ही माइनस कर लेंगे, तो 22 हो जाएगा, 22 09 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 42 का स्क्वायर हमें बताना होता तो 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। और 8 जो है 25 से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जो है 25 से माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर क्या हो गया, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 50 के नियरेस्ट वाले जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर ये तरीका आपको थोड़ा सा बाय द वे अगर भूल जाता है तो एक ऐसा तरीका बताते हैं, उससे क्या होगा, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें 25 का स्क्वायर हमें बताना है, आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट है और टेंथ प्लेस पे जो नंबर है ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये नंबर हो गया 425 होता। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद से इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और एक अंक छोड़ के यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एक अंक छोड़ के ऐड कर लेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमें 24 का स्क्वायर बताना है, 24 का स्क्वायर बताना है, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर पता है क्या होता है, तो 576 होता है, तो
24 का स्क्वायर। तो सबसे पहले पता करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर ये 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसका डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 6, 7 and 5, 576 हो गया। तो ये भी एक तरीका है, किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 98 का स्क्वायर हमें बताना है, 98 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 8 तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 होने के बाद फिर इसको डबल करेंगे। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के 144 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 and 9 तो 9604 क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 77 का स्क्वायर हमें बताना है, 77 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 49 हो जाएगा, 49 49, और ये भी क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा, 49, और उसके बाद इसको डबल कर देंगे, 49 को डबल करेंगे तो 98 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के 98 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 9 2 5 9 2 9, ये क्या हो जाएगा, 77 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर हम पता करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप सीख चुके होंगे। ये थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन था, ठीक है, कि किसी संख्या का स्क्वायर हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कोई नंबर दिया हुआ है उसका रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ये आगे हम देखेंगे। ठीक है,